हर रोज आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिसका खामियाजा मासूम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। ये तस्वीरें गौस नामी 4 साल मासूम बच्चे की है, जिसको शाहबाद में आवारा कुत्तों ने हमला कर पूरी तरह जख्मी कर दिया है। ये लड़का गुलबर्गा शहर के महबूब नगर एरिया का रहने वाला है और अपने परिवार के साथ शाहबाद गया हुआ था। वहाँ इस मासूम पर आवारा कुत्तों ने हमला कर चेहरे का नक्शा बिगाड़ दिया है। एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की नाहिली की वजह से मासूम बच्चे आवारा कुत्तों का शिकार बन रहे हैं और दूसरी तरफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनके साथ जानवरों की तरह सलूक किया जा रहा है। ये वीडियो गुलबर्गा शहर के जिम्स हॉस्पिटल का है, जहां कई घंटे इंतजार करने के बाद इस मासूम का ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन करने के बाद बच्चे को ऑब्जर्वेशन के लिए आईसीयू में रखने के बजाय बेहोशी की हालत में घर वालों के हवाले कर फर्स्ट फ्लोर से 6th फ्लोर तक जनरल वार्ड में शिफ्ट करने को कहा गया। अगर देखा जाए तो यह हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि वह इस तरह के सीरियस केसेस में ऑपरेशन के फौरी बाद पेशेंट को ऑब्जर्वेशन के लिए आईसीयू में शिफ्ट कराएं। लेकिन जिम्स हॉस्पिटल में चल रही लापरवाही का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिम्स हॉस्पिटल में पेशेंट को उसके घर वालों के हवाले कर दूसरे वार्ड में भेज दिया जा रहा है। और इसके अलावा आप यहां देख सकते हैं कि करीब आधे घंटे तक इंतजार करने के बावजूद लिफ्ट भी काम नहीं कर रही थी। ऐसे हालात में अपने बच्चे की फिक्र कर घर वालों ने पूरे 6 फ्लोर सीढ़ियों के जरिए चढ़कर इस मासूम को वार्ड में शिफ्ट कराया है। जिम्स हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट शिव कुमार सीआर की यह जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की लापरवाहियों पर नजर रखें। गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए हमने जिम्स हॉस्पिटल में चल रही लापरवाहियों को रिकॉर्ड किया है, ताकि कम से कम इस वीडियो को देख जिम्स हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हॉस्पिटल के हालात में सुधार ला सकें। और अगर बात आवारा कुत्तों के हमले पर रोक लगाने की जाए तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ बीजेपी को हराने और तहरी में वोटियां दिलाने के लिए इख्तदार में बैठे हैं। लोग वोट कर इनको कॉर्पोरेटर से लेकर एमएलए और एमपी बनाए हैं, तो इनकी जिम्मेदारी है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के कान मरोड़ कर इनसे काम लें। लेकिन अफसोस, आवारा कुत्तों के खिलाफ कई शिकायतें करने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिस तरह से अभी आप लोग देख सकते हैं, शाहबाद में यह गौस नामी एक 4 साल मासूम को कुत्ते ने बुरी तरह जख्मी किया है। चेहरे पर नाक और उनके उसका यह होंठ पूरी तरह से डैमेज हुआ है। वो बच्चे को अभी यहाँ पर टाके लगाए गए हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जिम्स में मौजूद हूँ। टाके लगाने के बाद वो बच्चे को मां के हवाले कर दिया गया है। ऊपर ले जाकर शिफ्ट करो, लेकिन 6th फ्लोर पर बच्चे को ले जाना है। यहाँ पर लिफ्ट भी 15 मिनट से लिफ्ट बंद है। लिफ्ट पर वहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं, लिफ्ट चालू होने का नाम ले ले रही। उससे कब से थे यहाँ पे आप? लिफ्ट क्या चालू भी नहीं? चालू हाँ नहीं चालू भी। क्या हुआ आपके बच्चे को? क्या हुआ? कुत्ता काटिया। हाँ कुत्ता काटिया। आधार कार्ड उतरने गए थे, कुत्ता काटिया। टाके डाले, ट्यूब दे, तुम बैठो बोलकर बिठाया। अभी तक आपके हाथ में देखिए, छोड़ दिया बच्चे। तो अभी लिफ्ट के पास कब से खड़े हैं आप? अभी 10-15 मिनट हुआ। 10-15 मिनट में लिफ्ट भी चालू नहीं हो रही? नहीं चालू। कौन से फ्लोर पे जाना है आपको? 6 नंबर का। 6 फ्लोर पे जाना है ना। अभी मेरे सामने यहाँ पर डॉक्टर्स ने बच्चे को माँ के हवाले कर दिया। 15-20 मिनट से वहाँ पर वो लोग इंतजार करे। हाँ वही माँ है यहाँ पर, बच्चे की नानी है। आप माँ हैं बच्चे के? हाँ। सही इलाज हो रहा है यहाँ पे आपके बच्चे का? टाके डाल के छोड़। हाँ आप लेके बैठे बच्चे को कितनी देर हुआ यहाँ पे? डेढ़ घंटा हुआ टाके डाल के। टाके डाल के यहाँ पर बच्चे को 1.5 घंटा हुआ है और घर बच्चे के माँ बाप और यहाँ पर नानी तमाम लोग मौजूद हैं। इनके हवाले कर दिया गया। 1.5 घंटे से ये लोग गोद में लेकर बैठे हैं और इनको मैं आकर यहाँ पर जब इनको पूछा तो ये लोग 6th फ्लोर पर ले जाकर वहाँ पर शिफ्ट करने के लिए बोल रहे हैं। ना यहाँ पर स्ट्रेचर मौजूद है, ना कोई फैसिलिटी है जिम्स हॉस्पिटल में बच्चे को ले जाने के लिए। टाँके लगे हैं बच्चे को, बच्चे की कंडीशन काफ़ी सीरियस है। माँ बाप माँ के और घर वालों के हवाले कर बच्चे को छोड़ दिया गया है। इतनी ज़्यादा यहाँ पर लापरवाही चल रही है। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट यहाँ पर कुत्तों का यहाँ पर जिस तरह से हमला लगातार हो रहा है, वो लोग कुत्तों के ऊपर यहाँ पर पाबंदी कोई नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ जब कुत्ते बच्चों पर हमला कर रहे हैं तो इस तरह से यहाँ पर ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है, इस तरह का रवैया यहाँ पर इख्तियार किया जा रहा है। यह बहुत शर्म की बात है गुलबर्गा शहर के जिम्स हॉस्पिटल में। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर 1-2 घंटे पहले जो मुन्ना भाई का इंतकाल हुआ है, वहाँ पर डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल साहब वहाँ पर आए थे, जो कि मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं। मैंने उनको जब ये बच्चे के फोटो बताया तो उन्होंने खुद फ़ोन करके डॉक्टर से बात किया कि अच्छा ट्रीटमेंट बच्चे को दो, उसके बाद इस तरह का रवैया यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा लापरवाही देखी जा रही है। और मैं जब से वीडियो बना रहा हूँ अभी तक यहाँ पर लिफ्ट ऑन नहीं हुई है, 6 फ्लोर पर इनको लेके जाना है। तो इस तरह से जो यहाँ पर हरकतें हो रही हैं, इसमें सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं, बहुत अफसोस की बात है, डॉक्टर्स ने इस बच्चे को उनके घर वालों के हवाले किया है और इनको 1st फ्लोर से 6th फ्लोर पर ले जाना है। लिफ्ट भी यहाँ पर काम नहीं कर रही और किस तरह से ये लोग इस बच्चे को गोद में लेकर जा रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। टाके लगे हुए हैं, बच्चा सीरियस कंडीशन में है, ना स्ट्रेचर है, ना कोई फैसिलिटी है। स्ट्रेचर है? स्ट्रेचर यहाँ पे है, इसके बावजूद भी ये फैसिलिटी मिल रही है? नीचे डॉक्टर्स बोले ना,
कि हाथ में पकड़ लीजिए, हाँ डॉक्टर्स खुद जो है पेशेंट को ऐसा भेजेगा घर वालों के साथ। अब पेशेंट की कंडीशन देखिए आप, इतने यहाँ पर जो है ना टाके लगे हुए हैं, सीरियस कंडीशन में है, लिफ्ट बंद है, डेढ़ घंटे से टाके डालने के बाद माँ बाप के हाथ में छोड़ दिया बच्चे को, ना स्ट्रेचर अवेलेबल है ना कोई लाने के लिए तैयार है, ऊपर पैदल चल लेते जो है ना सीढ़ियों पे से। ठीक है, शिफ्ट कौन करना, पेरेंट्स से लेके चलना 6th फ्लोर तक। नहीं स्ट्रेचर तो देना ना, कंडीशन ऐसी है टाके खुल गए, बच्चा गिर गया, कुछ हो गया तो सीढ़ियों पे से कौन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है बताइए। अगर माँ बाप के हाथ से बच्चा गिर गया, माँ बाप पहले जो है ना टेंशन में, बच्चे को इस तरीके की हरकत हुई बच्चे के साथ, आ रहे उनको चलने नहीं आ रहा, जॉइंट पेन है, लिफ्ट बंद है आपका, 15 मिनट से इंतजार कर रहे हैं बाहर, वीडियो पूरा बनाया हूँ मैं ये हालत जो है। हालांकि डॉक्टर चंद्रप्रकाश पाटिल खुद यहाँ पर फोन करके बोले हैं, मैं खुद उनको मिला हूँ जाके, ये गलत है ना इस तरीके से रवैया अगर कर रहे पेशेंट के साथ। बच्चा चुप ठहरा था, बड़ा बच्चा तारत को गया था, तो बच्चे के पीछे छोटा बच्चा भी गया, तो पानी पीना बोल को गया, तो कुत्ता मेरा बच्चा ठहरा था, शाहबाद में मेरा बच्चा पानी पीने बोल को गया तो ठहरा था, आके चुप काट के गया वो। कहाँ कहाँ हुआ जख्म आपके बच्चे को? मेरे बच्चे को मुंह भर को इतना हुआ। कहाँ रहने वाले, कहाँ के आप, कहाँ रहते हैं? गुलबर्गा। गुलबर्गा में कहाँ रहते हैं? महबनगर। महबनगर में रहते हैं। हाँ। अभी हॉस्पिटल में आके कितना टाइम हुआ आपको? सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे ऑपरेशन कब हुआ बच्चे का? ऑपरेशन 1.5 घंटा हुआ होके। तो अभी ऑपरेशन के बाद क्या आप बच्चे को आप लेकर आए ऊपर 6th फ्लोर पे, लिफ्ट वगैरह चालू थी क्या? नहीं चालू थी, दादर से लाए बच्चे को, दादर पे से लेकर आए। हाँ दादर पे से लेकर, कुत्ते बहुत परेशान कर रहे, किसके भी बच्चे को नहीं काटना, बच्चे को काटते जा रहे, पकड़ ले जाना कुत्तियों को अभी छोर एक बच्चे को काटे आगे, तो कुत्तियों को पकड़े को जा रहे नहीं, चुप जे ऑटो ले रहे फिर रहे हो जा रहे हो वापिस, कुत्तियों को पकड़ रहे नहीं, गरीब बच्चों को ऐसा काटे तो क्या करना, गरीबा क्या कर को खाना, बच्चों के पीछे फिरना, क्या दवाखाने देखना, क्या मजूरी देखना, गरीब लोग क्या करते बोलो, बाप है तो बाप के काना सुने नहीं आते, बाप मजबूर है, माँ अति हुशार नहीं है, माँ बीमार है, बच्चे का इलाज अच्छा करना